हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो फाइनली SOL में अंडर ग्रेजुएट के जो एडमिशन है, BA, BCOM, BA ऑनर्स, BBA, BMS के जो एडमिशन है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के, वो शुरू हो चुके हैं। आज की वीडियो में बताएंगे कैसे आप अंडर ग्रेजुएट में किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिए, पूरी वीडियो प्रोसेस आज हम बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो सबसे पहले आपको SOL की वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे आप SOL की वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा UG एडमिशन, देख सकते हो आप UG एडमिशन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप UG एडमिशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पोर्टल आ जाएगा। ये पोर्टल हमारा ओपन हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो उससे पहले आपको बता दूँ, इस पर NEP लागू हो चुका है, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में हमें क्लिक करना है। हमें न्यू रजिस्ट्रेशन में हमने क्लिक कर लिया। अब देखिए, कुछ चीज़ें आपको जान लेना काफ़ी ज़रूरी है एडमिशन से पहले, रजिस्ट्रेशन से पहले, के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में, कि आपके पास जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उनके अंदर जो डिटेल्स, उन्हीं डिटेल्स को आपको डालना है। इसके अलावा आपका एक रजिस्टर ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आपके चालू होना चाहिए। इसके अलावा आप जब भी ये फॉर्म अपने मोबाइल से भरे तो गूगल क्रोम का यूज़ जरूर करें। इसके अलावा आपका डिजी लॉकर, जी हाँ, डिजी लॉकर जो अकाउंट है वो एक्टिव जरूर होना चाहिए। मैं बताऊंगा वो कहाँ लगेगा, अभी लगेगा वो। डिजी लॉकर में आपका ABC आईडी बना होना चाहिए, क्योंकि ABC अकाउंट को ये लिंक करेगा अपनी वेबसाइट, अपनी इसी पोर्टल से, ठीक है। मैं दिखा दूंगा। अब देखिए क्या करना है। अब जैसे यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है लॉगिन करने के लिए। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम डालोगे, लोअर केस में डालोगे। यहाँ पे अपना नाम डालोगे जो कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए, चेंजेस नहीं। ईमेल एड्रेस, वो ईमेल एड्रेस जो एक्टिव होना चाहिए। री एंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस आपको डालना है, दोबारा से वो ईमेल एड्रेस डालना है। पासवर्ड बनाना है 6 नंबर का, और आपका दोबारा से री एंटर करना है पासवर्ड। अपना मोबाइल नंबर डालना है। कैप्चा, ये जो नंबर है ये कैप्चा जो है, कैप्चा डालते हुए सावधानी रखिएगा, तब काफ़ी एरर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो क्लिक ऑन द टेक्स्ट चेंज पे क्लिक करोगे, चेंज हो जाएगा। ये डालोगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो रजिस्टर होने से पहले एक OTP आपके उस पर आएगा ईमेल पे। OTP का जो OTP है वो डालना है उस पर, और कैप्चा डालना है, सबमिट करोगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन उसके बाद आपको इसी पोर्टल पे आप दोबारा आ जाओगे। यहाँ पे ग्रीन कलर का एक आइकन शो हो जाएगा पॉपअप, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप नीचे जाओगे, नीचे जाके अब आपको इसको लॉगिन करना है। जी हाँ, अब लॉगिन किससे करोगे, लॉगिन करोगे उसी रजिस्टर यूज़र नेम से जो यूज़र नेम आपने अभी बनाया है, ठीक है। पासवर्ड वही जो आपने अभी क्रिएट किया है, वो ये कैप्चा आपको डाल देना है सामने, और इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। हमने ऑलरेडी बना लिया, तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए लॉगिन हो चुका है, और फाइनली हमारा पोर्टल भी लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, अगर आपको BBA करना है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपके 45% मार्क्स होने चाहिए 12th में ना, तो सबकी एलिजिबिलिटी यहाँ लिखी हुई है। आप एलिजिबिलिटी यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। जो जो उनसे कोर्स है सबकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है। कोई नहीं, हमने सारा देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आई हैव रीड इम्पॉर्टेंट उस पर क्लिक करेंगे, हमें इस पर इम्पॉर्टेंट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए एडमिशन के लिए आपको 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप है आपका पर्सनल डिटेल, आपको जिसमें मैं बताता हूँ क्या क्या आपको डालना है, फिर मैं इसको फिल करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले में आपका आएगा आपका फर्स्ट नेम, दूसरे में मिडल नेम, लास्ट नेम अगर है तो डाल देना, DOB, जेंडर, इस ऑर्फन मतलब क्या आप अनाथ हो, यस या नो, नो का कर देना, ठीक है। सिंगल पेरेंट, यस या नो, मदर नेम, फादर नेम, कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व, SC ST, ब्लड ग्रुप। देखिए अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता को तो कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए, आपका वो खून नहीं लेंगे, सब पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। मैरिटल स्टेटस में आपको डालना है आप क्या हो, सिंगल हो, डिवोर्स हो, मैरिड हो, सेपरेट हो, तो सिंगल डाल दोगे तो स्टूडेंट तो सिंगल ही होगा। पर्सनल भी डिसेबिलिटी में क्या डालोगे, नो, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैटेगरी में क्या डालोगे, अनरिजर्व डालोगे, ठीक है। और उसके बाद आपको नीचे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर आप एक्स्ट्रा देना चाहते हो दे सकते हो। तो मैं जरा इसको फिल कर देता हूँ, कुछ चीज़ें और आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। फिर आप नीचे आओगे, यहाँ पे आपको डालना है अप्लाई टू बार्ड कोटा, क्या आपको बार्ड कोटा के लिए अप्लाई करना, नो, ये चीज़ें नो ही करना है। इंडिया की रेजिडेंसी है, एम्प्लॉय ऑफ SOL, क्या आप एम्प्लॉय हो SOL के, नहीं, हम कोई एम्प्लॉय नहीं है। क्या आप एम्प्लॉय हो यूनिवर्सिटी दिल्ली के, जी नहीं। आपको अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या आप NRI हो, नो, हम NRI नहीं है। अगर यस करोगे तो आपसे पासपोर्ट मांगेगा, नो कर दीजिए, क्योंकि आप NRI थोड़ी हो। अगर NRI हो तो यस करना। बैंक की डिटेल डालनी है, ठीक है, आपका नेम, बैंक अकाउंट नंबर किसी के भी नाम से हो सकता है, अगर आपका नहीं है आपका फादर का डाल दीजिए, मदर का डाल दीजिए, ठीक है। IFSC कोड डालना है, इनकम सर्टिफिकेट। अब देखिए इनकम डिटेल डालते हुए आपको सावधानी रखनी है, क्या सावधानी रखनी है वो मैं आपको बताऊँ।
फैमिली इनकम अगर आपने कम दिखाई तो आपको एक प्रूफ देना होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारी फैमिली इनकम कितनी है, 1 लाख से कम हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। क्या आप आर्म सेंटर पुलिस में, नो। क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हो, एक चीज़ आज मैं बता रहा हूँ, अगर आपने यस किया ना, मैं दिखाता हूँ आपसे क्या मांगे। आपने यस किया, अभी आपसे डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है, देखिए ये आपसे मांग रहा है डॉक्यूमेंट नंबर, देख रहे हो डॉक्यूमेंट नंबर ये मांग रहा है आपसे, ठीक है। तो अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से बिलोंग करते हो, तो अगर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे राशन कार्ड वगैरह, इनकम सर्टिफिकेट लगा देना, नहीं करते तो नो कर दीजिए, फिर आपको डॉक्यूमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या फीस में कंसेशन चाहते हो, क्या आप ये चाहते हो कि एसओएल आपकी फीस में कुछ छूट करे, तो आपका चाहते हो यस, तो भी डॉक्यूमेंट लगेगा, नहीं करोगे तो नो कर दीजिए, ठीक है, नो कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए कोई छूट। क्या आपको कंप्यूटर नॉलेज है, यस कर दीजिए। इंटरनेट चलाना जानते हो, यस कर दीजिए। कंप्यूटर घर में है, हाँ है तो डाल दीजिए, नहीं है तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी बेसिक क्वेश्चन है। कोर्स स्ट्रीम, अब देखिए किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो मान लीजिए आपको कॉमर्स है, कॉमर्स आर्ट्स, तो आर्ट्स, अपने आर्ट्स डाल दिया। आप स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ में पढ़ना चाहते हो या प्रिंटेड चाहिए, तो हमें प्रिंटेड चाहिए भाई। क्लास कौन सी चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो भाई ऑफलाइन ही लेंगे कॉलेज, ठीक है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डाल देनी है। तो हमने अपनी सारी डिटेल डाल दी, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अपनी पर्सनल डिटेल हो गई। अब आ जाते हैं मेन चीज़। अब आपको देखिए यही चीज़ आप फंस सकते हो, मुझे लगता है यहीं आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिजी लॉकर में आपका अकाउंट है, नहीं है तो यहीं से आप बना लोगे, है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसे अगर आपको अपना एकेडमिक बैंक और क्रेडिट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इनको देनी होगी, यानी ABC अकाउंट जो होता है, क्योंकि आने टाइम पे सबको बनाना पड़ेगा। अब देखिए फॉर्म में भी मांग रहा है, ठीक है, नहीं आता तो बना लीजिए, डिजी लॉकर पे जाओगे, वहाँ ABC अकाउंट सेलेक्ट करना, वहाँ से ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपका आधार कार्ड का जो नंबर और उसका OTP चालू होना चाहिए। अब क्या करना है, आई ऐप पे रीड पे क्लिक करना है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ये है ना, क्लिक हियर टू लिंक क्रिएट योर ABC अकाउंट, आपको लिंक करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा। एक चीज़ याद रखना, जो डिटेल आपके आधार कार्ड में होगी वही डिटेल आपके इस फॉर्म में से मैच होनी चाहिए, ठीक है, नाम वगैरह। अब इसको आपको साइन इन करना है, चाहे आपको मोबाइल नंबर से हो, यूज़र नेम हो, आधार हो, नहीं है अकाउंट है डिजी लॉकर, तो साइन अप करके इसमें आप आपका अकाउंट अपना क्रिएट कीजिए। तो हमारा ऑलरेडी है, तो हम इसको लॉग इन कर लेते, फिर आपको दिखाते। तो देखिए हमारी डिटेल ऊपर आ चुकी है, हमने इस फॉर्म से अपना जो ABC अकाउंट है उसको लिंक कर लिया है, ठीक है, डिटेल मैच होगी तो ही लिंक होगा। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, हमने कर चुके हैं। अब आपको अपने 12th क्लास की जो है ना डिटेल डालनी है, 10th क्लास की डिटेल डालनी है, मतलब जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डालना है। यहाँ पे आपको 12th क्लास का बोर्ड डालना है, जैसे CBSE NIOS तो CBSE डाल दिया, रोल नंबर डाल लेना है, रोल नंबर हम डाल देते हैं, ठीक है, रोल नंबर डाल देना है, उसका ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है, ठीक है। तो हमने चीज़ डाल दी। अब आपके सामने आएगा एग्जामिनेशन डिटेल, मतलब कि आपने एग्ज़ाम कहाँ दिया, 12th का कहाँ दिया, 10th का कहाँ दिया, इसके अलावा आपके किस सब्जेक्ट में, कौन कौन सब्जेक्ट, आपके किस सब्जेक्ट कितने नंबर आए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका बोर्ड नेम क्या था जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया, तो हमारा CBSE से हमने एग्ज़ाम दिया, जिससे भी दिया है यहाँ पे सारे ही रहेगा, देखिए है ना। तो मान लीजिए हमने CBSE से दिया, तो हम CBSE सेलेक्ट कर लेंगे, CBSE कहाँ गया, CBSE देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, हाँ CBSE मिल गया। रिजल्ट का स्टेटस क्या था, पास्ट है हम, अपना रोल नंबर डालोगे, ईयर ऑफ पासिंग डालोगे, स्कूल कोड डालोगे, सेंटर कोड डालोगे, अब कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे उसमें आपको फुल में से कितने नंबर मिले, वो सारे सब्जेक्ट के नंबर डालोगे, फिर नीचे जाओगे फिर 10th की डिटेल भी सेम ऐसी डालनी है, पासिंग आपने 10th क्लास का पास की है ना, स्कूल का टाइप क्या था, प्राइवेट था या सरकारी था, बोर्ड नेम वगैरह, फिर आपको कितने परसेंटेज CGPA मिली, एडिशनल डिटेल में आपको अपना लास्ट अटेंडेंस जिस स्कूल में आप पढ़े हो लास्ट टाइम वो डालना है, स्कूल की लोकेशन डालनी है, मीडियम डालना है, क्या आपके इंग्लिश थी या नहीं थी, बंगाली नहीं थी, नो पे क्लैक जो सब्जेक्ट आपके तो यस नो कर दीजिए, आपने हिंदी कहाँ तक पढ़ी, इंग्लिश कहाँ तक पढ़ी, सारी डिटेल आपको देनी होगी। तो मैं ज़रा इसको दे देता हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं हमने सारी डिटेल अपनी डाल ली है, ठीक है, अपनी जो भी सब्जेक्ट हमने पढ़े थे। अब हम इसको सबमिट करेंगे, तो हम इसको सबमिट कर रहे हैं, तो ये डिटेल हमारी सबमिट हो चुकी है, एग्जामिनेशन डिटेल, हमने एग्ज़ाम कहाँ दिया 10 टू 12 का, कौन कौन सब्जेक्ट में हमारे कितने नंबर थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे,
अब आ जाता है प्रोग्राम सिलेक्शन। जी हाँ, अब देखिए इसमें एक खासियत है, समर पोर्टल आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि आप किस किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी डिटेल आपने प्रोवाइड करवाई है 10-12 की। हम बी कॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं है, बी ऑनर्स इंग्लिश के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, और हम बी कॉम प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल नहीं है, बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए भी एलिजिबल नहीं है। क्या किस किस के लिए एलिजिबल है? हम बी ए प्रोग्राम भी साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल है, बी ए प्रोग्राम भी कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है, बी ए प्रोग्राम भी एजुकेशन, बी ए प्रोग्राम भी उर्दू, बी ए प्रोग्राम भी इंग्लिश, निकल रहा है कि बी ए प्रोग्राम के हम किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल है। अब प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके प्रोग्राम में आ जाएंगे जो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप बी ए प्रोग्राम भी एजुकेशन लेते हो, यानी कि एजुकेशन आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा, अगर आप बी ए प्रोग्राम भी पॉलिटिकल यानी मेन सब्जेक्ट आप कौन सा लेकर पढ़ोगे वो आपको सेलेक्ट करना है, हिंदी हिस्ट्री एजुकेशन। तो मान लीजिए हमें मेन सब्जेक्ट लेना है पॉलिटिकल साइंस के साथ, हम पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल सेलेक्ट कर लिया, किस मीडियम में पढ़ोगे, हिंदी में, हिंदी डाल दिया। अब चार रीजन है SOL के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कौन सा भी रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर जो दिल्ली में रहता है वो तो उसे पता ही है कि वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग कर लेगा, बट जो बाहर रहता है तो वो आपसे मैं यही कहूँगा आप नॉर्थ रीजन ही सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप आउट ऑफ स्टेट रहते हैं आपको दिल्ली का कुछ नहीं पता, ठीक है। ठीक है, ये कह रहा है कि एज़ पर द एड्रेस फील्ड यू आर रीजनल सेंटर टू साउथ रीजनल सेंटर, ठीक है, ये बता रहा है कि आपने जो डिटेल दी उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेंटर साउथ रीजनल सेंटर होना चाहिए, ठीक है, बता रहा है तो ठीक है हमने साउथ ही ले लेते। सबमिट हमने क्लिक कर लिया, अब हमें सबमिट हो चुका है, अब हमें क्या करना है, अब हमारी डिटेल आ चुकी है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमें अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं और इसके बाद हमें सेकेंड सेमेस्टर भी सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करने हैं। इतना याद रखना आपके टोटल एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट है और टोटल 14 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं दोनों सेमेस्टर को मिला के। दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट आप अभी के अभी सिलेक्ट कर लोगे, जैसे सिलेक्ट कर सकते डिसिप्लिन में आपको पॉलिटिकल साइंस मिल गया क्योंकि आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, अभी एक माइनर में आप कोई भी ले लीजिए, मैं इसमें मान लें हिस्ट्री ले लिया और इसमें आपको पॉलिटिकल मेजर मिला क्योंकि हमारे पास दो पॉलिटिकल रहेगा क्योंकि हम पॉलिटिकल बीए प्रोग्राम मेजर से कर रहे हैं, ठीक है। जैनिक इलेक्टिव में क्या पढ़ना चाहते हो वो ले लीजिए, एलबीटी एसमेंट में क्या लेना चाहते हो, ठीक है, ध्यान से लेना, बदलने में टिकट लगी, हम हिंदी लेंगे इसमें। स्किल एनहांसमेंट में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ लेंगे, वैल्यूएशन में कौन सा लेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, हम सबमिट क्लिक करेंगे। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अच्छा ये कह रहा है दिल्ली थ्रू द एजिस वाला सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरा ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले लिया, इकोनॉमिक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैनिक इलेक्टिव में काम करते हैं हम ले लेते हैं इसमें इंग्लिश फ्लुएंसी, ठीक है, एबिलिटी एनहांसमेंट में ले लेते हैं हम, वो आप तो ऑटोमेटिक बता देगा कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। आप क्या करते हैं हम ले लेते हैं इसमें फाइनेंशियल, ठीक है, वैल्यूएशन में ले लेते हैं हम योगा का, सबमिट पर क्लिक किया। आप देखिए एक चीज़, अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है इनवैलिड कोर्स सिलेक्शन तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ये फॉर्म जस्ट आया है, ये प्रॉब्लम एक दो दिन में ऑटोमेटिक सिलेक्ट ठीक हो जाएगी, ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर लेना। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद फिर आप छठे स्टेप में आपको प्रीव्यू करने के लिए कहेगा कि जो जो डिटेल आपने दिए कि आप उसको एडिट करना चाहते नहीं करना, तो फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सातवें से आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जी हाँ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, 10-12 का मार्कशीट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका एक एड्रेस प्रूफ लगेगा, ये सब आप डाल दोगे। देन उसके बाद लास्ट में आपको जो है पेमेंट अभी नहीं होगा, पेमेंट SOL की खास बात ये कि SOL में पेमेंट हाथों हाथ नहीं होता है, ये डिटेल आपकी सारी सबमिट हो जाएगी, आपकी फाइल पेंडिंग में चली जाएगी। जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो एक से एक हफ्ते बाद दोबारा से लॉगिन करके चेक करना, वहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करोगे, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर आपको फाइनल सबमिशन कर देना है। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा 8वें स्टेप पे आपको पेमेंट करना है, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो फॉर्म है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का किसी भी स्ट्रीम के लिए फिल कर सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, डायरेक्ट वेबसाइट का। थैंक यू।